हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपका 8वीं कक्षा गणित के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम प्रश्नावली 18.2 के प्रश्नों को देखेंगे, तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। इसके जो पहला प्रश्न है वो क्या बोलता है उसको ध्यान से पढ़िए। दी गई पहली परिमेय संख्या में से दूसरी परिमेय संख्या को घटाइए। यहाँ पर हमें दो परिमेय संख्याएं दिया है और इसमें पहली जो परिमेय संख्या है उसमें से दूसरी परिमेय संख्या को घटाना है। तो आप लोग कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए और चलिए इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो चलिए पहला का पहला को सॉल्व करते हैं, है ना। तो अपन को क्या करना है, देखो अपना कॉपी में क्या लिखना है, पहला का पहला, इस तरीके से इसको बताना है, पहला का पहला, ठीक है। फिर उसके बाद हल लिखो, है ना, और उसके बाद क्या करना है, डेस करना है। अब हमें क्या बोल रहा है, 3/4 में से 4/5 को घटाना है, है ना, ये बोल रहा है, घटाने के लिए बोल रहा है। तो क्या करेंगे, 3/4 को पहले लिखो, फिर उसके बाद चूंकि घटाना है तो ऋण का चिन्ह लगाओ, है ना, और फिर दूसरा परिमेय संख्या जो है उसको लिख लेना है इस तरीके से। अब इसके आगे में क्या करेंगे, हम बराबर का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा ऊपर में रख लेता हूँ ताकि हमें जगह ज्यादा मिल जाए। फिर यहां पर क्या करना है, देखो आपको 1/2 का लाइन खींचना है ना, और यहाँ पर जो हर में जो संख्याएं दी रहेगी ना उसका आपको लघुत्तम लेना है। क्या लेना है, लघुत्तम लेना है। 4 और 5 का लघुत्तम क्या आएगा, देखो 4 और 5 क्या है, क्रमागत संख्या है। कैसी संख्या है, क्रमागत संख्या है। क्रमागत संख्या रहने से क्या होता है, दोनों का जो गुणनफल होता है ना वही उसका लघुत्तम होता है। देखो 4 के बाद 5 आता है, 4 के बाद जस्ट 5 आता है, तो 4 और 5 क्या है, क्रमागत संख्या है। और क्रमागत संख्या का जो लघुत्तम होता है वो क्या होता है, उन दोनों का गुणनफल होता है। तो आपको बटे के नीचे में क्या को लिखना है, लघुत्तम को लिखना है। अब आप ये देखो कि 4 के साथ क्या का गुना हो रहा है, 4 के साथ गुना हो रहा है 5 का, ठीक है। क्या का गुना हो रहा है, 4 के साथ 5 का गुना हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 4 का जो अंश है ना उसके साथ भी 5 का गुना करेंगे। कहने का मतलब हमको ये करना है, ठीक है, इस 3 के साथ भी 5 का गुना करना है। अब यहाँ पर बीच में क्या है, ऋण का चिन्ह है, तो ऋण का चिन्ह लगा देना है, ठीक है। और फिर इस 4 को लिखना है यहाँ पर। अब ध्यान दीजिए, 4 के बटे में क्या है, 5, और 5 के साथ क्या का गुना हो रहा है, ये 4 का गुना हो रहा है ना। तो इस 5 के अंश में जो संख्या है ना उसके साथ भी आप किसका गुना करोगे, 4 का। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, है ना। फिर उसके बाद क्या करेंगे, बराबर के नीचे बराबर का चिन्ह लगाएंगे और इसको गुना करेंगे, 3 पंचे कितना होता है, 15 हो जाता है। फिर उसके बाद ऋण, 4 चौक 16 और बटे में क्या आ जाएगा, 4 पंचे 20। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 15 है और 1 क्या है 16 है, तो घटेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1 धनात्मक है 1 ऋणात्मक है तो घटेगा, ठीक है, घटेगा। लेकिन बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटती है, ठीक है, तो 16 में से 15 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, 16 के आगे कौन सा चिन्ह है, ऋण का चिन्ह है, ऋण का चिन्ह है, तो जो उत्तर आएगा ना उसमें भी ऋण आएगा, ठीक है। और फिर बटे में क्या लिख लेना है, 20 लिखना है, तो इस तरीके से। और फिर यहाँ पर क्या करेंगे, आप डबल लाइन खींचना और यहाँ पर आंसर लिख देना, ठीक है, यही इसका आंसर है। एक चीज को याद रखना, देखो कभी भी जब अपना एक संख्या क्या हो, धनात्मक हो, एक संख्या क्या हो, ऋणात्मक हो, तो वहां पर घटाने की प्रक्रिया होती है। लेकिन संख्यात्मक दृष्टि से जो बड़ा होता है ना, जैसे ये 16 है और 15, यदि हम दोनों को लिखते हैं तो 16 क्या हो जाएगा, बड़ा है, और 15 क्या है, छोटा है। तो जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या को घटाते हैं। लेकिन देखो यहाँ पर 16 के आगे कौन सा चिन्ह है, ऋण है, तो जिस संख्या में से छोटी संख्या घट रही है उस संख्या के आगे जो चिन्ह रहता है ना उसको हमको लगाना रहता है। तो इसको याद रखना और सही तरीके से बनाना। अब क्या, चलो अब हम क्या करते हैं, पहला का दूसरा को सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए पहला का दूसरा ऐसे लिख लेना है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हल लिखना है और फिर डेस करना है। फिर यहाँ पर जो दूसरा नंबर का प्रश्न है उसको मैं देखकर ध्यान से लिख लेता हूँ। कभी कभी क्या होता है, हम प्रश्नों को उतारते हैं ना उस समय गलती हो जाता है, तो आपको ध्यान से लिखना है। पहली संख्या को ज्यों का त्यों लिखो, फिर उसके बाद चूंकि यहाँ पर घटाने की प्रक्रिया करना है इसलिए हम ऋण लगाएंगे, फिर उसके बाद दूसरी परिमेय संख्या को लिखेंगे। यहाँ पर देखिए दूसरी परिमेय संख्या कैसी है, ऋणात्मक संख्या है, इस कारण से हम क्या करेंगे, इसको कोष्टक में रखेंगे, ठीक है, इसको ऊपर में रख लेता हूँ, ठीक। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है, और पहली संख्या को आप
ज्यों का त्यों लिखिए। और चूंकि देखो यहाँ पर कोष्टक लगा हुआ है, यहाँ पर अंदर में भी ऋण है बाहर में भी ऋण है, ठीक है, इसलिए क्या किए हमने डायरेक्ट लघुत्तम समाप्त प्रत्यय वाला जो प्रोसेस है उसको नहीं लाए, बल्कि इसको हम थोड़ा सा और सिंपल करेंगे, है ना। ये ऋण और ये वाला ऋण आपस में गुना होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, धन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, धन, और आपको मिलेगा 1/8, ठीक है। इसके आगे हमको क्या करना है, जो लघुत्तम समाप्त प्रत्यय ज्ञात करने वाला जो प्रोसेस है उस स्टेप में जाना है, ठीक है। तो हम एक लंबी सी बटा वाला लाइन खींच लेते हैं और बटे के नीचे में क्या लिखना है हमको, ये जो हर में जो संख्याएं हैं ना उनका लघुत्तम समाप्त प्रत्यय को हर में लिखना है, ठीक है। ध्यान से सुनो, बराबर खींचो, बटा का लाइन खींचो और बटा के लाइन के नीचे आपको क्या लिखना है, जो दो परिमेय संख्याएं हैं उनके हर में जो है उनका लघुत्तम को लिखना है। अब यहां पर ध्यान दो 4 और 8 को, जब मैं 4 का पहाड़ा पढ़ता हूं तो 8 डायरेक्टली आ जाता है, ठीक है। 4 के पहाड़ा में 8 डायरेक्टली आ जाता है, 4 × 8। ऐसे कंडीशन में जो बड़ी संख्या होती है ना वही जो है कि दोनों का एलसीएम होता है। इसको याद रखना कि यदि हम छोटी संख्या का पहाड़ा पढ़े और बड़ी संख्या डायरेक्टली आ जाए तो बड़ी संख्या ही क्या होता है, लघुत्तम समाप्त प्रत्यय होता है। तो हम यहाँ पर बटे में क्या लिखेंगे, 8 को लिखेंगे, किसको लिखेंगे, 8 को। अब ध्यान दो, ये जो यहाँ पर 4 है, 4 में आप क्या का गुना करोगे तो आपको 8 मिलेगा, ठीक है। सिंपल सा देखो, 4 में यदि हम 2 का गुना करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, है ना। तो इसी 2 का गुना, ठीक है, इसी 2 का गुना इस 4 वाले के अंश में करना है, ठीक है। अंश में क्या दिया है, 1 है, इसमें हमको क्या का गुना करना है, 2 का। क्यों किए हैं, क्यों किए हैं, देखो ये जो 1/4 है ना, इसके बटे में जब आप 2 का गुना करते हो ना तब जाके ये जो है कि 8 होता है। अब यदि आप बटे में गुना कर रहे हो और अंश में नहीं कर रहे हो तो ये जो आपका परिमेय संख्या है वो एक दूसरी परिमेय संख्या बन जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, दूसरी परिमेय संख्या बन जाएगी। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, अंश में भी गुना करना पड़ता है। अंश में गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो 1/4 का हमें एक तुल्य परिमेय मिलेगा, क्या मिलेगा, तुल्य परिमेय। तो इस कारण से यहाँ पर हमें अंश में भी गुना करना पड़ता है, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना, है ना। अब क्या है, बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा लेते हैं। फिर यहाँ पर क्या दिया है, 1 दिया है तो फिर से 1 लिख लेते हैं। अब देखो इसके बटे में तो पहले से 8 है ना, तो इसके अंश में किसी भी संख्या का गुना करने की जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ पर कुछ भी गुना नहीं करेंगे। फिर उसके बाद बराबर के नीचे बराबर का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है, बटा का लाइन खींचेंगे, नीचे में क्या लिखेंगे, 8 को लिखेंगे, है ना। और ये क्या हो जाएगा, 2 × 1 = 2, उसके बाद धन, उसके बाद 1, तो ये क्या हो गया आपका, 3/8, क्या हो गया, 3/8, और यही आपका आंसर है, ठीक है। अब ये सब चीज को नहीं लिखना है, ये तो आपको समझ आ रहा होगा क्योंकि ये सब आपको मैंने समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। तो इसको आपको उत्तर में नहीं लिख देना, आपको सिर्फ यहां से लेके यहां तक लिखना है, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, पहला का तीसरा वाला को सॉल्व करते हैं। अब हम पहला का तीसरा वाला को सॉल्व करते हैं, तो फिर पहला का तीसरा ऐसा लिखेंगे, फिर उसके बाद हर लिखेंगे, फिर डेस लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर इसको देखते हुए ध्यान से आपको संख्याओं को लिखना है, ऋण 15/12, उसके बाद चूंकि यहाँ पर घटाना है ना, तो घटाना है इसलिए यहाँ पर ऋण लिखोगे, उसके बाद जो दूसरी संख्या है उसको लिख लेंगे। देखो यदि दूसरी संख्या आपकी धनात्मक है तो आपको कोष्टक लगाने की जरूरत नहीं है, पहली संख्या यदि ऋणात्मक है तो भी आपको कोष्टक लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इतना लिख लेंगे। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो यहाँ पर एक बराबर का चिन्ह लगा लो, ठीक है, और फिर बराबर के सीध में क्या करना है, 1/2 का लाइन खींचना है, ये भी हो गया। अब देखो यहाँ पर यदि मैं छोटी संख्या का पहाड़ा पढ़ता हूँ, 12 का यदि पहाड़ा पढ़ता हूँ, 12 × 1 = 12, 12 × 2 = 24, तो ये जो बड़ी संख्या है ना वो डायरेक्टली आ जाता है, ठीक है। ऐसे कंडीशन में जो बड़ी संख्या होता है वही क्या होता है, दोनों का लघुत्तम होता है, तो हम लघुत्तम को डायरेक्टली यहाँ पर लिख लेंगे, है ना। अब यहाँ पर ध्यान दो कि हम 12 में क्या का गुना किए हैं,
12 में 2 का गुना किए हैं तब जाके हमको 24 मिला है। 12 में 2 का गुना करोगे तब जाके 24 मिल रहा है। तो 12 जिसके हर में है उसके अंश में भी आपको इस 2 का गुना करना है। ठीक, तो इसको भी लिख लेते हैं, ऋण 5 और फिर इसमें किसका गुना हो जाएगा, 2 का। क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके हर में 2 का गुना हो रहा है। ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया है ना। फिर क्या करेंगे, इस ऋण को लिखेंगे और देखो इसके बटे में पहले से 24 है ना, तो अपन इसके अंश में किसी भी संख्या का गुना नहीं करेंगे, इस तरीके से हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहां पर हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, और इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब यहां पर हम फिर से एक बटा का लाइन खींचेंगे, ठीक है, और फिर 24 को फिर से लिख लेंगे यहां पर, और इसको देखो 5 × 2 = 10 और सामने में क्या है, ऋण है, तो ऋण 10 हो जाएगा, और यहां पर क्या है, ऋण 13। ठीक है, अब देखो यहां पर दोनों संख्या क्या है, ऋणात्मक है, दोनों संख्या ऋणात्मक रहती है तो भी वो क्या होती है, आपस में जुड़ती है। ठीक है, तो 10 और 23 को यदि जोड़ोगे, सॉरी 10 और 13 को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, 10 और 13 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 23 होगा। ये वाला ऋण है, ये वाला भी ऋण है, तो उनका योगफल भी ऋण में प्राप्त होगा। ठीक, और बटे में क्या है आपका, 24। तो ये हो गया, और इस तरीके से इसका भी आंसर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला को देखते हैं। चलो अब हम क्या करते हैं, पहला का चौथा वाला को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लिख लेना, पहला का चौथा फिर हल, और उसके बाद ये जो प्रश्न दिया है ना, इसको अपन ध्यान से लिख लेते हैं। ऋण 8/13 और उसके बाद चूंकि घटाना है तो ऋण लगाओगे। ठीक है, अब देखो दूसरी संख्या कैसी दिया है, ऋणात्मक दिया, दूसरी संख्या कैसा दिया, ऋणात्मक। इसलिए हम क्या करेंगे, एक कोष्टक लेंगे, फिर उसके बाद दूसरी संख्या को लिखेंगे। ठीक है, अब इसको मैं ऊपर ले जाता हूं, है ना। अब देखो यदि आपके बगल में ऐसे जगह है तो आप बगल में लिखो, यदि बगल में नहीं है तो नीचे में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर नीचे में लिख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ऋण है और फिर कोष्टक है, फिर ऋण है, इसलिए हम डायरेक्ट जो ये बटा लाइन खींचते हैं और लघुत्तम को लिखते हैं उसको नहीं करेंगे। ठीक है, पहले क्या करेंगे, ये इस कोष्टक को हटाएंगे। तो पहली संख्या को हम लिख लेते हैं, देखो ये जो ऋण अंश में है ना, उसको आप सामने में भी लिख सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ऊपर में लिखो या नीचे में लिखो। एक ऋण है तो वो ऊपर में भी लिख सकते हो, नीचे में भी लिख सकते हो, सामने में भी लिख सकते हो। तो मैंने क्या किया, सामने में लिख दिया। अब इस ऋण को देखो, ये वाला ऋण और ये वाला ऋण आपस में क्या हो जाएंगे, ये गुना होंगे, ऋण और ऋण का गुना होगा तो क्या हो जाएगा, ये धन हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका, 7/13। अब ध्यान दो, इसके बटे में भी 13 है, इसके बटे में भी 13 है। ठीक है, दोनों के बटे में 13 है तो लघुत्तम क्या होगा, 13 ही आएगा। ठीक है, दोनों के बटे में यदि सेम संख्या है तो लघुत्तम वही संख्या आती है, कोई दूसरी संख्या नहीं आती। तो इस तरीके से, और इनके जो अंश है ना उसमें भी कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो इनका हर है वही इनका लघुत्तम आ रहा है ना। तो अंश को जैसा दिया है, जैसे ऋण दिया है तो ऋण के साथ लिखो, और धन है तो धन के साथ लिखो। अब देखो यहाँ पर एक संख्या आपका ऋण में है, एक संख्या क्या है, धन में है। ऐसे में क्या होता है, घटाने की प्रक्रिया होती है, और संख्यात्मक दृष्टि से जो बड़ी है, जैसे कि ये 8 7 से बड़ी है, तो 8 में से 7 को घटाओगे क्या आ जाएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1। लेकिन जो बड़ी संख्या मैं बोल रहा हूँ संख्यात्मक दृष्टि से, ठीक है, उसके आगे कौन सा चिन्ह है, ऋण का चिन्ह है, तो यहाँ पर हम ऋण लगाएंगे। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, 13, और इस तरीके से ये वाला जो आंसर है वो कम्प्लीट हो जाता है। यहाँ पर एक चीज को मैं बार बार बोला हूँ, क्या, संख्यात्मक दृष्टि से, संख्यात्मक दृष्टि, इसका मतलब क्या है ये बताता हूँ। देखो देखने में 8 जो है कि 7 से बड़ा है, लेकिन यदि मैं ऋण लगा दिया हूँ तो 7 वाला बड़ा है और ऋण 8 जो है कि छोटा है, इसको समझो। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ मैं, संख्यात्मक दृष्टि से 8 जो है कि 7 से बड़ा है, यदि हम दोनों को धनात्मक लेते हैं तो ये है, लेकिन चूंकि यहाँ पर ऋण है ना, तो 8 जो है कि 7 से छोटा है। समझ आ रहा है, नियम के हिसाब से ऋण 8 7 से छोटा है, लेकिन देखो यहाँ पर आप घटा रहे हो, किस में से घटाओगे,
आठ में से घटाओगे ना, यदि हम अपना छोटा दिमाग को यूज करेंगे, सिंपल दिमाग को यूज करेंगे, तो आठ में से सात को घटाएंगे, ठीक है। आठ में से सात को घटाओगे तो क्या आ जाएगा, क्या आएगा, एक आएगा, है ना। तो उसी को बोला कि संख्यात्मक दृष्टि से आठ बड़ी है, उसमें से सात को घटाएंगे, लेकिन चूंकि जो बड़ी संख्या वो ऋणात्मक है, इसलिए आपका उत्तर में क्या आ जाएगा, ऋण आएगा। तो इसको याद रखना, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर दो को। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी ये प्रश्न है ना, इसको ध्यान से लिख लेना है, ठीक है। जैसे कि ये दूसरा का पहला आपको सॉल्व करना है, तो ऐसे लिखोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे, हल लिखोगे, है ना। फिर क्या करेंगे, डेस करेंगे, फिर जो ये दिया हुआ है ना, उसको हमको यहाँ पर लिख लेना है नीचे में ऐसे। अब देखो यहाँ पर प्लस माइनस सब चीजें हैं, और इसको और ज्यादा हम सिंपल नहीं कर, और ज्यादा सिंपल नहीं कर सकते हो, तो आपको क्या करना है, बराबर के बाद सीधा एक बड़ा सा बटा का लाइन खींचना है। अब बटे के लाइन के नीचे में आप क्या लिखोगे, ये जो हर में जो संख्याएं हैं उनका जो लघुत्तम समापवर्त्य है उसको आपको हर के नीचे में लिखना है। अब ध्यान दो, यहाँ पर दो जगह में क्या है, नौ है, ठीक है, तो उसका तो लघुत्तम नौ ही होगा। और जो यहाँ पर छोटी संख्या है उसका यदि आप पहाड़ा पढ़ते हो, है ना, जैसे तीन का पहाड़ा पढ़ते हो, तो तीन या नौ डायरेक्टली आपको नौ प्राप्त होता है। तो यहाँ पर इनके हरों का जो लघुत्तम समापवर्त्य है वो क्या मिलेगा आपको, नौ मिलेगा। देखो क्या है ना, जहां पर जरूरत होती है सॉल्व करने की वहीं पर सॉल्व करो, जहां पर जरूरत नहीं है सॉल्व करने की तो वहां पर हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, खासतौर पे लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एलसीएम लघुत्तम समापवर्त्य कितना मिला, नौ मिला। अब यहाँ पर देखो, पहला वाला जो परिमेय संख्या है उसके बटे में पहले से नौ है ना, तो इसके जो अंश है ना उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, उसको ज्यों का त्यों ऐसा लिख देना है, ठीक। फिर यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर धन का चिन्ह है तो धन का चिन्ह लिख लेते हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है, तीन है ना, और अपन को क्या बनाना है, नौ बनाना है। तो तीन में क्या का गुना करोगे तो नौ होता है, देखो तीन में हम यदि तीन का गुना करते हैं तो नौ आता है, ठीक है। इसलिए जो ये सेकंड वाला तीन है ना, जिसको हम इस तीन में गुना कर रहे हैं, उस तीन का गुना अंश में भी करना पड़ता है, तो हम ऐसा इसको लिख लेंगे, ठीक है, क्लियर। उसके बाद क्या आ जाएगा, ये वाला जो ऋण का चिन्ह है वो आ जाएगा। फिर देखो यहाँ पर पहले से नौ है बटे में, तो इसके अंश में कोई चेंजेस नहीं करना है, उसको ज्यो का त्यों लिख देना है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, देखो बराबर के नीचे बराबर का चिन्ह लगाओ, फिर उसके बाद बड़ा सा बटा का लाइन खींचो, ठीक है। फिर उसके बाद बटे में जो है उसको लिख दो नौ, है ना। और यहाँ पर जो चीजें सिंपल हो सकती है उसको सिंपल करो, जैसे कि आपका दो और इन दोनों को गुना करोगे तो तीन आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या है, ऋण पांच है। फिर उसके बाद फिर से बराबर का लाइन खींचेंगे, है ना, और देखो यहाँ पर आपको फिर बटा का लाइन खींचना है, फिर बटे के नीचे में जो है उसको सीधा सीधा लिख देते हैं। यहाँ पर देखो दो और तीन को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, पांच, और उसमें से क्या घट रही है, पांच घट रही है ना। तो फाइनली आपको इसका आंसर क्या मिलेगा, शून्य बटे नौ। अब देखो शून्य बटे नौ का मतलब क्या होता है, शून्य बटे नौ का मतलब होता है शून्य, तो यहाँ पर आपको आंसर प्राप्त हो रहा है जीरो, ठीक है। अब हम जो है कि नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, तो लिखते हैं चलो दूसरा का दूसरा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, हल लिखेंगे, फिर उसके बाद डेस लगा देंगे, और यहाँ पर जो दूसरा का दूसरा वाला है उसको एकदम ध्यान से लिखना, कुछ भी गलत सलत मत उतार देना, खासतौर पे ये जो ऋण धन होता है ना, इसको उतारते समय जो स्टूडेंट होते हैं ना वो गलत कर देते हैं, तो आपको इसको याद रखना है, ऋण धन को ध्यान से लिखना है। और एक चीज और देखो, यहाँ पर बटा का लाइन ऋण, ये वाला बटा का लाइन, ये धन और ये बटा का लाइन, ये सभी एक लाइन में है, ठीक है, ऊपर नीचे नहीं है, तो आप लिखते हो ना तो इसको एक लाइन में लिखना है। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा लेंगे, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब देखो इसके हर में दो पांच सात, दो क्या है, अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, इसको तो छोड़ो इग्नोर करो, ठीक है। फिलहाल इसको देखो, पांच ये भी अभाज्य संख्या है, सात ये भी अभाज्य संख्या है, दो पांच सात ये सभी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। जब ऐसा कंडीशन होता है कि
हर में जितनी भी संख्याएं वो सभी अभाज्य संख्याएं हैं, तो उनका सिंपली गुना कर देना, उनका जो गुणनफल होता है ना वही आपका लघुत्तम होता है। ठीक है, याद रहेगा, इसके हर को ध्यान दो। ये जो 5 है वो सिर्फ 5 से भाग जाता है, 7 है ये सिर्फ 7 से भाग जाता है, 2 है ये सिर्फ 2 से भाग जाता है। कहने का मतलब ये क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। जब आपको ऐसे योग में है ना या घटाने में आपको बटे में क्या दिया हो, अभाज्य संख्याएं दिया हो, तो आपको उनका लघुत्तम समापवर्ती क्या मिलेगा, उन संख्याओं का गुणनफल मिलेगा। तो यहां पर भी आपको इसको अलग से ऐसे लिख के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान दो पहला वाला संख्या, ठीक है, पहले वाले संख्या के अंश में क्या है, 1 है, तो मैं 1 लिख देता हूं। अब यहां पर हर में ध्यान दो, हर में क्या है, 5 है, और यहाँ पर ध्यान दो 5 के साथ क्या क्या का गुना हो रहा है, 7 और 2 का गुना हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 के साथ भी 7 और 2 का गुना कर देंगे इस तरीके से। ठीक, अब यहाँ पर ऋण है तो यहाँ ऋण लगा दो, फिर उसके बाद जो संख्या है उसको लिख दो। ठीक है, अब इसके बटे में ध्यान दो क्या है, 7 है, और यहाँ पर ध्यान दीजिए 7 के साथ कौन कौन गुना हो रहा है, 5 और 2 गुना हो रहा है। ठीक है, तो हमें उसके अंश में भी 5 और 2 का गुना करना है इस तरीके से। तो थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, है ना, फिर उसके बाद देखो ये बटा का लाइन को और लंबा करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर धन है तो धन लिख लेता हूँ मैं, फिर उसके बाद 1 है तो 1 लिख लेता हूँ यहाँ से। अब इसके बटे में क्या है, 2, और यहाँ पर यदि आप ध्यान दो तो क्या है, 2 के साथ 5 और 7 का गुना हो रहा है, तो यहाँ पर 1 में भी आपको 5 और 7 का ऐसे गुना करना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब क्या करना है, हमको बराबर के नीचे बराबर का लाइन खींचना है और इसके सीध में एक बटा का लाइन खींचना है। अब ये बटा का लाइन को थोड़ा सा बड़ा खींचना, ठीक है। अब नीचे में क्या आएगा उसको देखते हैं, 5 × 7 = 35, 35 × 2 = 70, 5 × 7 = 35, 35 × 2 = 70, तो 70 को हम एक ही बार में ऐसा लिख लेते हैं। ठीक है, यहां पर देखो 1 का गुना करोगे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। ठीक है, 7 और 2 का गुना करते हैं, 7 × 2 = 14। ठीक है, फिर उसके बाद ऋण है तो ऋण लिख देते हैं, ऋण है तो क्या करते हैं, ऋण को लिख देते हैं। फिर उसके बाद देखो 3 × 5 = 15, 15 × 2 = 30, तो ये 30 आ गया। यहाँ पर देखो 5 × 7 = 35, तो यहाँ पर भी हम +35 ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो अंश में जिसके जिसके आगे धन का चिन्ह है ना उसको पहले जोड़ लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो ये 35 है, ये क्या है आपका 14 है, इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं क्योंकि ये दोनों धनात्मक है, तो 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, और ये आपका ऋण 30 और बटे में क्या है 70, ये हो गया। अब इसके आगे में जगह है तो मैं यहाँ पर भी लिख सकता हूँ, ठीक है, 49 में हम क्या करेंगे, 30 को घटाएंगे, 49 में क्या करेंगे, 30 को घटाएंगे, तो कितना मिलेगा अपन को, 19, कितना मिलेगा 19, और ये 70। ठीक है, तो इसका आंसर आपको मिला 19/70। अब नेक्स्ट वाला प्रश्न, चलो अब हम क्या करते हैं, दूसरा का तीसरा वाला को सॉल्व करते हैं। दूसरा का तीसरा लिखो यहाँ पर, फिर हल लिखो, फिर उसके बाद डेज करो, और जो यहाँ पर प्रश्न दिया है उसको ध्यान से सही सही उतारो, फिर उसके बाद क्या करना है, ऐसे बराबर का चिन्ह लगाना है। ठीक है, अब बराबर के बाद बराबर के सीध में एक बटा का लाइन खींचो। अब यहाँ पर देखो हर में क्या क्या है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 5 का पहाड़ा पड़ने से 12 आने वाला नहीं है, और कोई दूसरा पहाड़ा में 12 और 5 दोनों आने वाला नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में इनका जो लघुत्तम है वो क्या मिल जाएगा आपको, 12 × 5 मिलेगा। अब इसके बटे में तो 1 है, 1 का गुना करोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, चाहो तो आप यहाँ पर लिख सकते हो ऐसा। ठीक है, कि हाँ इसके बटे में 1 है, उसको भी यहाँ पर हम गुना करें। ठीक, अब क्या है देखो, इसके आगे में ऋण है तो ऋण लिखो, फिर 1 है तो 1 लिखो। अब इसके बटे में ध्यान देना है, बटे में क्या है, 12 है, और यहाँ पर 12 के साथ क्या क्या का गुना हो रहा है, 5 और 1 का। अब देखो 5 × 5 होता है ना, इसलिए मैं सिर्फ यहाँ पर 5 का गुना कर रहा हूँ, 1 का गुना नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि उसका ज्यादा वैल्यू नहीं होता, कोई रोल नहीं है, तो फिर उसको लिखने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर +3 है तो +3 लिख लो, +3। ठीक है, अब देखो 3 वाले के बटे में है 5, और 5 के साथ क्या का गुना हो रहा है, 12 का और 1 का।
अब अगेन एक का कोई विशेष वैल्यू नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ 12 को यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ऋण है तो ऋण लिख लेता हूँ, 6 है तो 6 लिख लेता हूँ। अब बताओ 6 के बटे में तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, ठीक है। और 1 के साथ क्या का गुना हो रहा है, 12 और 5 का, तो उसी 12 और 5 को हम यहाँ पर भी लिख लेंगे ऐसे। अब इसके आगे हमको क्या करना है, इसको सिंपली सॉल्व करना है। देखो अपन क्या करते हैं, अभी तक ये जो बटा का मतलब बराबर का लाइन है उसी के नीचे मैं बराबर खींचो बोलता हूँ। आप चाहो तो यहाँ पर भी बराबर खींच सकते हो, ठीक है, लेकिन यदि आप इसके नीचे में खींचते हो ना तो थोड़ा अच्छा दिखता है, ठीक है, और गणित में चीजें अच्छा भी दिखना चाहिए। अब क्या करेंगे, अपन इसके बटा का लाइन खींचेंगे, ठीक है। 12 पंचे, 12 पंचे कितना होता है बताओ, 12 पंचे 60 होता है, कितना होता है, 12 पंचे 60, तो अपन यहाँ पर 60 लिख लेते हैं। और यहाँ पर जो चीजें आएगी, 5 एकम 5, तो ऋण 5 हो गया, उसके बाद 12 3 36, तो यहाँ पर 36 लिख लेते हैं। और यहाँ पर क्या आ जाएगा उसको देखो, 12 पंचे 60, 60 छक्के 360, ठीक है, 60 छक्के कितना हो जाएगा, 360। अब इसको आगे अपन को सॉल्व करना है, तो देखो जो जो ऋणात्मक है ना उसको पहले जोड़ लो, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या बोला, जो ऋणात्मक है उसको जोड़ लो, क्योंकि यहाँ पर 2 ठोक ऋणात्मक है और पिछले वाले में क्या था, 2 ठोक धनात्मक था, तो धनात्मक वाले को जोड़े, और यहाँ पर 2 ठोक ऋणात्मक है इसलिए मैंने बोला कि पहले ऋणात्मक वाले को जोड़ लो, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर ऋण 360 और ऋण 5 जब जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ऋण 365, ठीक। और इसमें क्या होना है, 36 को प्लस करना है और बटे में क्या है, 60। अब देखो यार यहाँ पर संख्यात्मक दृष्टि से यदि मैं इस ऋण को हटा दूं तो बड़ा कौन सा है, 365 है, ठीक है। और यहाँ पर एक धन है एक ऋण है, तो यहाँ पर क्या होने वाली है, घटाने की प्रक्रिया होने वाली है, तो 365 में 36 को घटाते हैं, ठीक है, तो कितना आएगा, देखो 5 में से 6 को घटाओगे, घटेगा क्या, नहीं घटेगा, तो इससे हाथ से लेगा 15, 15 में से 6 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 9, 15 में से 6 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 9। अब ये कितना बच गया, ये बच गया है 5, 5 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा, 2, समझ आया। फिर उसके बाद ये 3 और सामने में क्या आ जाएगा, ऋण, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है, ऋणात्मक है, और इसके बटे में क्या आ जाएगा, 60। तो इस तरीके से ये वाला भी कंप्लीट होता है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 3। सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ो और उसके बाद इसको बनाना शुरू करना है ना। तो प्रश्न क्या बोलता है, 3/8 में क्या जोड़े की योगफल 11/12 हो जाए, ठीक है। तो इसको कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले तो आप प्रश्न का क्रमांक डालो, है ना, फिर क्या लिखो, हल लिखो, ठीक। अब यहाँ पर आपको दिया है नहीं यूज करना है, ठीक है, यहाँ पर हमको माना से स्टार्ट करना है। यहाँ पर बोला है ना क्या जोड़े की योगफल, तो उसी को अपन को कहना है, माना 3/8 में, अब देखो इसको देखते हुए ही आपको लिखना है ना, अपना दिमाग ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें। तो माना 3/8 में P/Q जोड़ने पर योगफल 11/12 होगा। अब देखो यहाँ पर हमने P/Q क्यों यूज किया है, P/Q क्योंकि यहाँ पर हम परिमेय संख्या से संबंधित चीजों को हल कर रहे हैं और यहाँ पर जो आंसर आएगी ना वो परिमेय संख्या आएगी, ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, इसको P/Q के रूप में लिया। फिर उसके बाद क्या लिखोगे, इसलिए 3/8 धन P/Q बराबर 11/12। कहने का मतलब यहाँ पर जो कथन लिखाया हुआ है शब्दों में उसी को हमें गणितीय कथन के रूप में लिखना है, तो ये गणितीय कथन के रूप में लिखा गया। इसके बाद अपन को क्या करना है, यहाँ पर आपको निर्देशित कर्ता का चिन्ह लगाएंगे। निर्देशित कर्ता का चिन्ह कब लगाते हैं, देखो जब कहीं पर समीकरण हो, है ना, और समीकरण में प्रोसेस हो, समीकरण में आप चीजों को हल कर रहे हो, तब जो है कि हम क्या करते हैं, ये निर्देशित कर्ता का चिन्ह को लगाते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्या करना है, अपन को P/Q का मान को ज्ञात करना है, तो P/Q को यहाँ पर रहने दो, ठीक है, ये बराबर। अब यहाँ पर दूसरे साइड में 11/12 पहले से है तो इसको भी जैसा वैसे रहने दो। हमें
देखो हमें क्या करना है, हमें p बटा क्यू का मान ज्ञात करना है, ठीक है। इसलिए p बटा क्यू को इस साइड में रखे हैं, दूसरे साइड में 11 बटे 12 पहले से है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, इसको दूसरे साइड में भेजना पड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान दो, इसके आगे में मतलब ये जो संख्या है इसके आगे में कोई चिन्ह नहीं है। जब कोई चिन्ह नहीं रहता है तो वो क्या होता है, प्लस होता है। क्या होता है, प्लस। अब चूंकि हमें p बटा क्यू का मान ज्ञात करना है, p बटा क्यू को अकेला करना पड़ेगा, इसलिए ये जो 3 बटा 8 है ना, इसको दूसरे साइड में भेजोगे। अब यहाँ पर गौर करो कि ये दोनों जो संख्याएं उसके बीच में किस प्रकार का रिलेशन है, धन का रिलेशन है, ठीक है। याद रखना, जब आपको धन या फिर ऋण का रिलेशन हो, जैसे a और b है ना, इस तरीके का रिलेशन हो, और यदि हमें किसी को दूसरे साइड में ले जाना हो, बराबर के दूसरे साइड में ले जाना है इस प्रकार से, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पक्षांतर करना। क्या बोलते हैं, पक्षांतर करना, ठीक है। याद रखना, जब दो संख्या है, दोनों संख्या के बीच में धन या ऋण का रिलेशन हो और हमें एक संख्या को दूसरे साइड में भेजना हो, तो उसको हम पक्षांतर करना बोलते हैं। तो कहने का मतलब, ये जो 3 बटा 8 है ये दूसरे साइड में जाएगी, ठीक है। अब 3 बटा 8 जब दूसरे साइड में जाती है तो उसके सामने में जो चिन्ह होता है ना, वो बदल जाता है। अब सामने का चिन्ह का मतलब क्या है, 3 बटा 8 के सामने का चिन्ह ये वाला है, ठीक है। 3 बटा 8 के सामने का चिन्ह क्या है, ये। यदि मैं p बटा q को दूसरे साइड में ले जाता तो इसके सामने का चिन्ह है ये, तो इसको याद रखना, ठीक है। बीच का चिन्ह नहीं बोल रहे हैं हम, बोल रहे हैं सामने का चिन्ह। तो यहाँ पर सामने का चिन्ह धन है, ये क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऋण, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ऐसे बराबर करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। अब आपको क्या करना है, 8 और 12 का लघुत्तम निकालना है। तो ध्यान दो कि 8 और 12 दोनों जो है कि 4 से भाग जा सकता है, 2 से भाग जा सकता है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इसका लघुत्तम निकालेंगे, लेकिन लघुत्तम नॉर्मल टेक्निक से नहीं निकालेंगे, हम थोड़े डिफरेंट टेक्निक से निकालेंगे। जैसे कि ये 12 को लिख लो, है ना, और 8 को लिख लो, ठीक है। अब ये देखो कि ये बड़ी से बड़ी संख्या किससे भाग जा सकती है, तो यदि आप ध्यान दो तो एक से तो दोनों जाएगा, दो से भी जाएगा दोनों, है ना। दो चौक 8, दो छक्के 12, उसके बाद 3 से दोनों नहीं जाएंगे, ठीक है। 4 से 4 दुनिया 8, 4 दिया 12, तो अपन क्या करते हैं, 4 से दोनों जो है कि जाएगी, बड़ी से बड़ी संख्या 4 से जाएगी, है ना। तो 4 लिखो यहाँ पर, उसके बाद 4 दिया 12, 4 दुनिया 8, ठीक है। और इनको क्या करो, आपस से गुना कर दो। समझ आया क्या किया मैंने, ठीक। 4 दिया 12, 12 दुनी 24, तो इनका जो लघुत्तम है अपन को प्राप्त हो रहा है 24। कितना प्राप्त हो रहा है, 24, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको अंश में है 11, तो 11 लिखो, ठीक है। अब यहाँ पर तो 12 था भाई, और 12 को हमने 24 बना दिया, तो 12 में ऐसा क्या गुना किया कि 24 हो गया, ठीक है। तो ध्यान दो, 4 दिया 12, 12 दुनी 24, ठीक। कहने का मतलब अपन ने 2 का गुना किया है 12 में, तो अंश में भी आपको 2 का गुना करना है, ठीक है। फिर उसके बाद ये ऋण है तो ऋण लगा लो, फिर 3 है तो 3 लगा लो। अब देखो 8 में क्या का गुना करोगे तो 24 होता है, तो ध्यान दो 4 और 2 को गुना करोगे तो क्या होता है, 8, और इस 8 में हमने 3 का गुना किया तो क्या आया, 24 आया। कहने का मतलब ये 3 का गुना हमने इस 8 में किया है तब 24 आया है, तो उसी 3 का गुना आपको अंश में भी करना पड़ेगा इस प्रकार से, ठीक। फिर उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, 11 दुनी 22, 3 तिया 9, और बटे में क्या मिलेगा, 24, ठीक है। इसको और सॉल्व करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा, क्या मिलेगा बताओ, 22 में 9 घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 13, क्या मिलेगा, 13, 13 बटे 24, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर है। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, अतः 3/8 में 13/24 जोड़ने पर, देखो ये जो मैं लिख रहा हूं ना, इसको आप नीचे में लिखना, ठीक है। ये जो मैं बगल में लिख रहा हूं, इसको कहां पर लिखोगे, नीचे में लिखोगे। वैसे यहां तक यदि सॉल्व करते हो तो भी आपका सॉल्यूशन हो चुका है, इसको और सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन आप इसको लिखना, ठीक है। जोड़ने पर योगफल 11/22 प्राप्त होगी। इस तरीके से इसको आपको कंप्लीट करना है। चलिए अब हम क्या करते हैं, प्रश्न नंबर 4 को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो
प्रश्न नंबर 4 बोलता है 13/25 में क्या घटाएं कि हमें 19/25 प्राप्त हो जावे। तो यहाँ पर आप प्रश्न का क्रमांक लिखो, फिर उसके बाद हल लिखो और फिर क्या करना है, डेस करना है। ठीक है, अब यहाँ पर स्टार्टिंग आप कैसे करोगे, माना से करना है। कहाँ से स्टार्ट करोगे, माना से। माना 13/25 में से P/Q को घटाने पर 19/25 प्राप्त होगी। ठीक है, अब जो यहां पर हम लिखे हैं उसी को हम क्या करेंगे, समीकरण के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो समीकरण के रूप में कैसे हो जाएगा, 13/25 अर्थात लिखना है। ठीक है, यहां पर 13/25 ऋण P/Q बराबर 19/25। देखो यहां पर जो चीजें हमने लिखा है ना, माना बोल के, है ना, उसी चीज को हमने समीकरण के फॉर्म में लिखा है कि 13/25 में P/Q को घटाओगे, है ना, ये घटा रहे हो तो आपको 19/25 मिलेगा। अब यहां पर सिंपल सा चीज है कि हमें P/Q का वैल्यू को ज्ञात करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो ये 13/25 है ना, इसको दूसरे साइड में भेजना पड़ेगा। अब देखो ये जो दो हमारे पास संख्याएं हैं, इनके बीच में कौन सा चिन्ह है, ऋण का चिन्ह है। तो ये जब दूसरे साइड में जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, हम पक्षांतर करना बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर लेफ्ट साइड में आपका P/Q ही रह जाएगा। अब ये जो 13/25 है दूसरे साइड में जाएगा तो वो किसके बाद आएगा, 19/25 के बाद आएगा। और एक चीज और ध्यान दो, 13/25 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है मतलब क्या है, धन का चिन्ह है। और दूसरे साइड में जाता है ना तो वो क्या बन जाता है, ऋण बन जाता है। तो ये हो जाएगा आपका 13/25। अब इसके आगे क्या करेंगे, बराबर के नीचे बराबर का चिन्ह लगाओ और एक बटा का लाइन खींचो। अब देखो यार यहाँ पर दो संख्याएं हैं और दोनों संख्याएं के हर को ध्यान से देखो, दोनों संख्याओं के हर में है 25। ठीक है, तो इसका जो लघुत्तम है ना वो क्या मिलेगा आपको, 25 ही मिलेगा। ठीक है, जब आपके दो संख्याएं हैं और दोनों के बीच में जोड़ना या घटाना करना है और उसके लिए आपको लघुत्तम लेना पड़ेगा। लघुत्तम लोगे, यदि दोनों संख्याएं सेम है तो क्या मिलेगा, वो लघुत्तम वही संख्या प्राप्त होता है। तो ये हो गया। अब इसके जो अंश है, ठीक है, जैसे 19/25 है, इसके जो अंश है उसको हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, इसमें किसी भी संख्या का गुना नहीं होगा क्योंकि इस संख्या के जो हर में है और जो लघुत्तम है वो दोनों सेम है। ठीक, वैसे ही जो सेकंड वाला जो परिमेय संख्या उसके भी अंश में किसी भी संख्या का गुना नहीं करेंगे और ज्यों का त्यों उसको लिख लेंगे। इसके बाद इसको घटाते हैं, 19 में से 13 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा और बटे में क्या है, 25 है। और ये किसका वैल्यू है आपका, P/Q का वैल्यू है। ओके, अब देखो हमने जब माना था तो क्या माना था, 13/25 में से P/Q को घटाने पर बोला, मतलब कि यहां पर ध्यान दो P/Q कैसे है, धनात्मक है। और यहां पर जो आपने वैल्यू फाइंड की है वो किसके लिए फाइंड की है, ऋण P/Q के लिए आंसर आपने लाया है 6/25। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये जो ऋण P/Q है ना उसको हमें धन P/Q करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल तरीका क्या है कि P/Q के आगे जो ऋण है उसको दूसरे साइड में ले जाओ। ठीक है, जो आगे में ऋण है उसको क्या करना है, दूसरे साइड में ले जाएंगे तो आपका जो ये 6/25 है ना वो ऋणात्मक हो जाएगा और यही आपका आंसर है। एक चीज और, जब हम इस तरीके की प्रोसेस करते हैं, है ना, तो यहां पर हमें निर्देशित तरीका का चिन्ह लगाना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से निर्देशित कर्ता का चिन्ह लगाना चाहिए, जब भी आप कोई समीकरण को हल करते हो तो इस चिन्ह को लगाया जाता है। और ये हो गया आपका आंसर। अब यहां पर एक चीज सोचने वाली बात है कि यार ये जो ऋण है वो दूसरे साइड में कैसे चले गया, है ना, ऐसा प्रश्न तो आ सकता है आपके माइंड में। तो उस प्रश्न का आंसर भी हम जानने की कोशिश करते हैं। चलो देखो यहाँ पर आपका आंसर कंप्लीट हो गया है, आगे मैं बताता हूँ। ऋण P/Q है और दूसरे साइड में आपका 6/25। यदि मैं दोनों साइड में सेम संख्या का गुना करता हूँ, क्या करता हूँ, दोनों साइड में सेम संख्या का गुना करता हूँ, जैसे मान लो ऋण 1 का गुना इधर भी कर दिया और दूसरे साइड में भी मैं ऋण 1 का गुना करता हूँ,
तो मेरा जो समीकरण का संतुलन है ना वो नहीं बिगड़ेगा। ठीक है, कभी भी जैसे आप गुणा करते हो, जोड़ते हो, तो दोनों साइड में जोड़ना पड़ता है, दोनों साइड में घटाना पड़ता है, दोनों साइड में गुणा करना पड़ता है, या फिर दोनों साइड में भाग करना पड़ता है, जिससे कि इनके संतुलन नहीं बदलते। तो ऐसा करने से इनका संतुलन जो है कि नहीं बदलेगा। अब देखो, ऋण और ऋण गुना होगा तो क्या हो जाएगा, पी बटा क्यू हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे साइड में ऋण एक का गुना हो जाएगा तो यही क्या बन जाएगा, 6/25। तो इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है ये है, लेकिन आपको इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा, यदि कहीं पर एक साइड में ऋण है और आपको उसको धन करना है तो उस ऋण को दूसरे साइड में ले जाओ। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आपको सॉल्व करना है। देखो, इसको अच्छे से नोट कर लो। अब नेक्स्ट प्रश्न को हम सॉल्व करने वाले हैं, तो चलो भाई उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हम देखते हैं पांचों नंबर का प्रश्न। पांचों नंबर का प्रश्न सिंपल सा है, हमें क्या बताना है, ये जो कथन दिया है वो सही है या गलत है ये बताना है। यदि कथन गलत है तो सही कथन क्या है उसको बताना है। अब जो पहला कथन है उसको ध्यान से देखो, ऋण 3/5 का योज्य प्रतिलोम 5/3 है। देखो यार, ये वाला जो कथन है एकदम से गलत है। क्यों? देखो, योज्य प्रतिलोम में कभी भी जो अंश का संख्या वो हर में नहीं जाता और हर का संख्या अंश में नहीं जाता। ठीक है, बल्कि वो ज्यों का त्यों रहता है। तो इसका जो सही कथन है वो क्या है उसको हम लिख लेते हैं। तो इसका आंसर कैसे लिखोगे, सबसे पहले इसका उत्तर ऐसा लिखोगे। ठीक है, और ये क्या है, उत्तर नंबर 5, पांचवा का पहला, ऐसे लिखना है। ठीक है, फिर इसमें क्या लिखोगे, पहला वाला जो है आपका असत्य कथन है तो आप असत्य लिख दोगे। फिर उसके बाद इसमें जो सही कथन है ना, मतलब कि सत्य कथन क्या है उसको आपको लिखना है, सत्य कथन ऐसा डैश करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद लिखना है ऋण 3/5 का योज्य प्रतिलोम, मतलब जो सही वाला है उसको लिखना है, योज्य प्रतिलोम। देखो, जब भी आपको किसी संख्या का योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना रहेगा ना, तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ ये करना है कि उसके आगे में जो चिन्ह है उसको बदल देना। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये वाला जो डेस है और ये वाला जो ऋण है, दोनों जो है कि क्या कर रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि दोनों दिख रहा है एक साथ, है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको हम तीर लगा देते हैं। ठीक है, ताकि हमको पता चल जाए कि यार ये वाला ऋण नहीं है, है ना। अब ये योज्य प्रतिलोम लिखे हो तो यहीं पर मैं लिख देता हूं, ये क्या हो जाएगा, 3/5 है। ठीक है, अपन को क्या करना है, ऋण को धन करना है और संख्या वही रहेगा। ठीक है, कभी भी आपको योज्य प्रतिलोम बोलता है तो आपको क्या करना है, ऋण रहेगा तो धन कर देना, धन रहेगा तो ऋण कर देना, और संख्या वही का वही रहेगा, इसको याद रखना। ठीक है, अब सेकंड वाला को देखो क्या बोलता है, 4/5 ऋण 7/9 बराबर 7/9 ऋण 4/5। ये देखने से कैसे लग रहा है, मानो ये क्रम विनिमय नियम को पालन कर रहा है। जैसे कि ये कैसे दिया है, ए ऋण बी बराबर बी ऋण ए, कहने का मतलब यहाँ पर क्रम विनिमय नियम किया है। लेकिन एक चीज को याद रखना, घटाने की प्रक्रिया में क्रम विनिमय नियम पालन नहीं करता है। क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो, घटाने की संक्रिया में क्रम विनिमय नियम पालन नहीं करता है। ठीक है, कैसे बोलूं क्या, घटाने की संक्रिया में क्रम विनिमय नियम पालन नहीं करता, कहने का मतलब ये जो कथन है ये क्या है, असत्य है। समझ आ रहा है, तो अपन को क्या लिखना है, सेकंड। ठीक है, और क्या लिखोगे फिर, असत्य लिखोगे, क्या लिखोगे, असत्य। ये जो आपका दिया हुआ है ना, ये गलत है। ठीक है, क्यों गलत है, क्योंकि तो बीच में ऋण का चिन्ह है, ऋण का चिन्ह है मतलब यहाँ पर घटाने की प्रक्रिया कर रहे हो, और घटाने की प्रक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। तो इसका जो सत्य कथन है वो क्या है उसको बता देता हूं। सत्य कथन आपको लिखना है, जो दिया है उसी को मैं लिख रहा हूं, 4/5 ऋण 7/9 बराबर नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है, बराबर बनाना है फिर उसको काट देना है। तो इसको क्या पढ़ते हैं, बराबर नहीं है, और यहाँ पर 7/9 ऋण 4/5 इस तरीके से। तो ये वाला जो कथन है ना वो सत्य हो गया। ठीक है, अब तीसरा नंबर का जो प्रश्न है उसको देखो, शून्य को किसी भी संख्या में से घटाने पर मान अपरिवर्तित रहता है। तो देखो भैया, ये वाला कथन क्या है, सत्य है। ठीक है, यदि हम शून्य को किसी भी संख्या में से घटाएंगे या फिर जोड़ेंगे तो वो संख्या का मान जो है कि अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, तो तीसरा लिखोगे, और तीसरा वाला जो कथन है वो क्या है, आपका सत्य कथन है। तो मैं यहाँ पर सत्य लिख देता हूँ। ठीक है, चौथा वाला को देखिए, चौथा वाला क्या बोलता है, किसी परिमेय संख्या को घटाने का अर्थ है उस परिमेय संख्या के योज्य प्रतिलोम को जोड़ना। तो ये वाला भी क्या है, आपका सत्य है। तो चौथा वाला को भी आपको क्या लिखना है, सत्य लिखना है।
ठीक है। अब देखो मैंने बोला कि ये सत्य है, लेकिन चलो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये किस प्रकार से सत्य है, ठीक है। तो यहां पर मैं एक चीज लिखता हूं, ठीक है, समझना। 4/5 है, इसमें से मैं क्या करता हूं, 1/2 को घटाता हूं, ठीक है। 4/5 को, 4/5 में से 1/2 को मैं घटा रहा हूं। अब इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 4/5, ठीक है, उसके बाद धन, अब उसके बाद क्या हो जाएगा, ये ऋण 1/2। देखो यहां पर दोनों का पहला संख्या सेम है, दोनों का दूसरा संख्या सेम है। पहले में हम क्या कर रहे हैं, पहली संख्या में से दूसरी संख्या को घटा रहे हैं, लेकिन यहां पर क्या कर रहे हैं, पहली परिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या को जोड़ रहे हैं। लेकिन ध्यान दो, यहां पर क्या कर रहे हैं, ये जो 1/2 है उसका योज्य प्रतिलोम है ऋण 1/2। तो यहां पर जो ये हमको बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है, देखो किसी परिमेय संख्या को घटाने का अर्थ है उस परिमेय संख्या के योज्य प्रतिलोम को जोड़ना। क्या बोल रहा है, योज्य प्रतिलोम को जोड़ना। तो यहां पर क्या कर रहे हो, योज्य प्रतिलोम जो है, ये जो संख्या है इसका ये क्या है, योज्य प्रतिलोम है, ठीक है ना, समझ आ रहा है, योज्य प्रतिलोम है। और यहां पर हम क्या कर रहे हैं, नीचे में योज्य प्रतिलोम को जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो या तो आप ये बोल सकते हो कि किसी संख्या को घटाना है, या फिर आप ये बोलो कि योज्य प्रतिलोम को जोड़ो, तो दोनों का जो रिजल्ट है वो सेम आएगा। तो वही चीज को यहां पर वो बोल रहा था चौथा वाला, कि घटाओ या फिर योज्य प्रतिलोम को जोड़ो, दोनों चीज सेम है ना। तो इस तरीके से ये वाला जो प्रश्न वाली है ना वो खत्म होता है। अब जो है कि हम नेक्स्ट प्रश्न वाली को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहिए, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो ना यार तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छा लग रहा होगा, आप लोगों को कुछ चीज सीखने मिल रहा होगा, तो इसको लाइक भी कर दिया करो। चलो बाय।